हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट, और जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट है ग्रीन मास्क, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और गाइस, ये वाला जो मास्क है ना, इस टाइम इतना ज़्यादा वायरल हो रखा है। आप अगर देखेंगे कि ये इंस्टाग्राम की रील्स पर, यूट्यूब की रील्स पर इतना ज़्यादा वायरल है कि आप इसको लगाते हैं और लगाने के बाद आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट होती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो उस सबको ये बहुत ही ईजी तरीके से निकाल देता है और एकदम आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट हो जाता है। सो गाइज, आज ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, तो मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि ये किस तरह है और इतनी ज्यादा ये वीडियोस जो वायरल हो रही हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, क्या ये वाकई में सच में है। और इसके अंदर गाइस ग्लिसरीन और टी है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देती है, बहुत ज्यादा हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है और बहुत ज्यादा अच्छा हमारी स्किन का टेक्सचर कर देती है। सो हम इसी मास्क को इसीलिए आज अप्लाई करके देखेंगे। और इसको मैंने बाय किया है, नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करिएगा अगर आपको इसको बाय करना होगा। बट गाइज, पहले मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगी कि ये हमारी स्किन के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आज मैं इसका आपको बिल्कुल सच्चाई से रिव्यू देने वाली हूँ कि ये कितना ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर बेनिफिट देगा, कितना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइज, यहाँ पे जो है ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और ये जो पैकेजिंग है बहुत ही ज्यादा क्यूट सी मुझे पैकेजिंग लग रही है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेवल फ्रेंडली, आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप इसको बेशक लेके जा सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से ये ट्रेवल फ्रेंडली है और छोटा सा है, लाइट वेट है, सबसे बड़ी बात ये है। और आप इसको किसी भी पाउच में बहुत ईजी तरीके से रख के लेके जा सकते हैं। और ग्रीन टी मास्क है, यहाँ पे जो है इस तरह का ये पैकेजिंग आती है और इस पे सब कुछ मेंशन है, इसके इफेक्ट्स मेंशन दिए हुए हैं कि ये आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट देता है। लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से कि इसमें ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपके पोर्स के अंदर जितना भी डर्ट होता है उसको बाहर लाता है, आपके एक्ने होते हैं, आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, कुछ भी होता है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है, तो इसमें यही लिखा हुआ है। और हाँ, आपके जो स्किन के ऊपर यहाँ पे टी जोन एरिया पर ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल जिसके होता है उसके लिए तो मुझे लगता है ये कि शायद ये काम कर जाए। यहाँ पे जो है मैं इसको अप्लाई करने के बाद ही इसके रिजल्ट आपको बताऊंगी कि आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए और कौन सी स्किन वाले इसको बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको इसकी पैकेजिंग ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरह की इसकी पैकेजिंग है। सो यहाँ पे जो है मुझे इस तरह से रिसीव हुआ है। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, कॉल करके मंगाया था। इस तरह की ये पैकेजिंग है और इसमें से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट निकला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की ये प्रोडक्ट है। और इस पर भी मैंशन है कि मास्क क्लींजिंग एंड ब्यूटीफाइंग सॉलिड मास्क है। सो जिस तरह से हमारी ये कंसीलर की स्टिक होती है उसी तरह का ये मास्क है। तो इसमें इस तरह की ये पैकेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है, कोई भी ज़्यादा इतनी झंझट नहीं है। और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा एक कैप दी हुई होती है, हाइजीन के लिए बहुत अच्छा ये दिया हुआ है, आपकी जो स्टिक है वो डर्ट ना हो। तो गाइज, यहाँ पे इस तरह का ये कैप है, आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कैप दी हुई है। और इसके इनको 40 ग्राम इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। और इस तरह से रोल ऑन करके इसको आपको ओपन करना होता है। तो जिस तरह से मैं ये ओपन कर रही हूँ इस तरह की ये आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो ये इस तरह का आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ये हिल रहा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी, बट तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। सो ये कुछ इस तरह की है। और गाइस, इसमें फ्रेगरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सी फ्रेगरेंस है जो मैं फील कर रही हूँ। सो इसको आपको इजीली इस तरह से ओपन करना है और इजीली आपको इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। और इसका टेक्सचर जो है गाइस बहुत ज़्यादा क्रीमी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मेरी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से अप्लाई हो रही है। यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये आपको 10 मिनट्स के लिए लगानी है। और हाँ, यहाँ पर मैंने पैच टेस्ट अपने कर लिया था, क्योंकि कान के पीछे करते हैं वो, आप अगर करना चाहते हैं तो पहले इसको यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये ड्राई है। मेरी जो स्टिक आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीमी फॉर्म में मुझे लग रही है। सो इसके बेनिफिट देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये मेरी स्किन को बेनिफिट करेगा और कौन सी स्किन वालों के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो मेरी ये वाला एरिया है उसको मैं फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई करूंगी। तो फिंगर की हेल्प से भी ये बहुत इजी तरीके से अप्लाई हो रही है। मेरी जो स्किन, ये जो मुझे स्टिक लग रही है वो थोड़ा सा जो आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी टाइप, उस तरह की ये मुझे लग रही है। सो इसको लगाने के बाद मेरी स्किन में थोड़ा सा ठंडक तो लग रही है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है ये मुझे थोड़ा सा, बहुत ही लाइट सा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से अप्लाई कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से ये अप्लाई हो रही है। कोई भी झंझट नहीं है इसको कि आपसे ये अप्लाई ना हो। सो मैं यहाँ पर बस इतना ही अपनी नेक पर अप्लाई करूँगी, उसके बाद हम देखते हैं कि इसने मेरे इतने एरिए पर कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये। तो मैं यहाँ इतने एरिए पर इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और इस मास्क को मैं कम से कम आपको 10 to 20 मिनट्स के बाद दिखाऊंगी कि ये इसने मेरी स्किन में कितना ज़्यादा फ़र्क किया है और कितना ही ये मेरी स्किन में कुछ फ़र्क कर भी रहा है या नहीं, या फिर ये जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं गाइज ये फेक हैं या देखते हैं इसको 10 मिनट्स के बाद। सो गाइज यहाँ पे जो है मैं आपको 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और मेरी जो मास्क है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। सिर्फ 5 मिनट में ही ड्राई हो गया था, बट मैंने इसको 10 टू 15 मिनट, इस पर जो मेंशन है कि आपको 10 टू 15 मिनट्स अप्लाई करना है, तो मैंने ये 10 मिनट अप्लाई किया है और उसके बाद ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से वीडियोस में दिया हुआ है कि ये अगर आप इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं और आपके यहाँ पे ब्लैक हेड्स, बहुत सारे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं और जितने भी आपके पोर्ट्स हैं उससे डर्ट और ऑयल वगैरह ये सब क्लीन हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल जिस तरह से हम नॉर्मली क्ले मास्क, कोई भी क्यूकुम्बर, कोई भी मास्क लगाते हैं, तो उस तरह का ये मुझे इफेक्ट दे रहा है। हल्का सा इसने मुझे कूलिंग इफेक्ट दिया था, जिस टाइम मैं अप्लाई कर रही थी उस टाइम इसने मुझे कूलिंग इफेक्ट दिया था। हम यही देखते हैं अब कि रिमूव करने के बाद ये हमारी स्किन को कुछ ग्लो करता है या कुछ, जितना भी थोड़ा बहुत मेरी टैनिंग थी वो टैनिंग हटाता है या इंस्टेंट हमें कितना रिजल्ट देता है। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आप कौन सी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो है मैं इसको अपने टिश्यू से आपके सामने लाइव हटाऊंगी, मैं यहाँ पे वॉश नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम लोग फिल्टर लगा देते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आपको वाइप से इसको रिमूव करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको रिमूव करके दिखाती हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा गंदा हो चुका है और अब मैं यहाँ पर ये न्यू एक और वाइप लूंगी, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो है आपके सामने रिजल्ट है, मैंने आपके सामने ही इसको वाइप किया है और ये कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा इसने मेरी स्किन के ऊपर जो है वाइटिश टोन दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ब्लैक हेड्स मेरे नहीं निकाले हैं, एक्ने मेरे फेस पर नहीं थे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पता नहीं लगा पाई हूँ, बट मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो एक्ने वाली कि एक्ने भी इससे दूर होते हैं या नहीं। बट इसका जो है इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा, मेरी स्किन जो है हल्की सी सॉफ्ट हुई है गाइस, और कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ही लाइट सा इसने मुझे दिया है। एक तरीके से हम लोग मुल्तानी मिट्टी का जब फेस पैक अप्लाई करते हैं तो उसी तरह का इसने मुझे इफेक्ट दिया है। बस आप मेरी स्किन में रिजल्ट बताइएगा कि कितना मेरी स्किन में रिजल्ट हुआ है, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं गाइस, मुझे इतने अच्छे से नहीं पता चलेगा। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये वाला एरिया यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया था, इतने इतने एरिए पे तो हल्की सी लाइन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट सा इसने मुझे ग्लो दिया है, वो भी इंस्टेंट ग्लो। ये जो स्टिक है मैं उन्हीं स्किन वालों के लिए बेटर समझूंगी जो बहुत ही नॉर्मली सा इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं। अगर आपकी स्किन पे एक्ने हैं, आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब है और आप चाहते हैं कि इस स्टिक को लगा के आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग इंस्टेंट, आपको एक दिन में एक ही अप्लाई में रिजल्ट मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आप इसको यूज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट सिर्फ और सिर्फ ग्लो मिले, जिस तरह से एक हमें नॉर्मली फेस पैक का ग्लो मिलता है उस तरह से मिले, तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको इसको एक्ने वालों के लिए या ब्लैक हेड्स वालों के लिए नहीं एडवाइस दूंगी कि वो इसको बाय करें। तो ये वाला जो है गाइस मास्क मुझे अच्छा लगा है, ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा झंझटों से अलग है। जिस तरह से इसने मेरे चेहरे पर ग्लो दिया है बस इतना ही ये चेहरे पर ग्लो करेगा, ऐसा नहीं है जैसे वीडियो में बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि एकदम आपके ब्लैक हेड्स हाथ में निकल कर आ जाएंगे। सो गाइज ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने इसको मंगाया, इसको मैंने बाय किया, बट मैं इसको यूज़ करूँगी और आपके साथ मैं इसकी एक और वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि 2-3 वीक यूज़ करने के बाद मैं आपको इसको बताऊँगी कि इसने मेरी स्किन के ऊपर क्या रिएक्शन किया या क्या बेनिफिट दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यूज़फुल हुई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो, अच्छी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और आपको सच्चाई बताऊँगी हर प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरह, कौन सा कितना आपको रिजल्ट देगा। ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।